अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मोहसिन रजा और आप लोग देख रहे हैं VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने एक नया चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन शुरू किया है। जैसे आपने मुझे VSSS वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में प्रमोट किया है, तो मैं सब लोगों से यही गुजारिश करूँगा कि आप लोग मुझे इस नए चैनल 24/7 टीचर्स ऑनलाइन में भी प्रमोट करें। दोस्तों, मेरे चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और इस वीडियो के एंड में भी आपको मिल जाएगा। वो लिंक कुछ ऐसे है www.youtube.com/teachersonlineforyou। आप उस लिंक पे जाएं, उसे सब्सक्राइब करें और जो है वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स अपने रिकॉर्ड करके रखे हैं और आप उनसे फ़ायदा उठाएं। उसमें आपका प्रोग्रामिंग का सब्जेक्ट है, C++ का सब्जेक्ट है, उसमें आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग है, उसमें आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और HTML है, और इसमें आपका और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल हैं। दोस्तों, आज की जो मेरी वीडियो है वो CS403 डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, जो हमारी असाइनमेंट नंबर 1 आई हुई है, उस हवाले से है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले अपनी इस असाइनमेंट की जो है रिक्वायरमेंट्स को देख लेते हैं कि हमारी उस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। दोस्तों, इसमें हमें एक केस दिया गया है। केस कुछ इस तरीके से है, सपोज अ वाटर फिल्ट्रेशन कंपनी ABC वांट्स टू डेवलप अ डेटाबेस फॉर हिज बिजनेस फ्लो। एक फिल्ट्रेशन कंपनी है जो अपने बिजनेस के लिए एक डेटाबेस सिस्टम बनवाना चाहती है। दिस डेटाबेस सिस्टम विल मैनेज इट्स कस्टमर। वो इसके कस्टमर को मैनेज करेगा, एम्प्लॉयज को मैनेज करेगा, स्टॉक को मैनेज करेगा एंड सेल एरिया डिटेल और सेल एरिया की डिटेल को मैनेज करेगा। डेटाबेस सिस्टम विल मैनेज डिफरेंट सेल एरियाज फॉर डिलीवरी डिफाइन बाय द कंपनी अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट। कस्टमर कैन प्लेस द डिलीवरी रिक्वेस्ट एट लीस्ट 1 डे बिफोर। अब वो डिफरेंट एरियाज को मैनेज करेगा और 1 डे बिफोर जो है कस्टमर अपनी रिक्वेस्ट करेंगे। द मैनेजर कैन चेक द कस्टमर ऑर्डर रिक्वेस्ट एंड जनरेट द बिल वाउचर अकॉर्डिंगली। एक मैनेजर है जो उस कस्टमर की रिक्वेस्ट को चेक करेगा और उसके हिसाब से फिर उसका बिल या वाउचर बना देगा। द सेल मैन विल डिलीवर ऑर्डर टू द कस्टमर। सेल मैन जो है वो उस कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर करेगा। द कस्टमर विल पे द ड्यूज। कस्टमर जो है वो जनरेटेड बिल पे करेगा। आफ्टर डिलीवरी सेल मैन कैन ऑल्सो अपडेट द ऑर्डर स्टेटस। अब जो सेल मैन है वो स्टेटस अपडेट कर देगा कि ये ऑर्डर जो है डिस्पैच हो चुका है। कस्टमर कैन गिव देयर फीडबैक अबाउट वाटर क्वालिटी एंड डिलीवरी सिस्टम। अब कस्टमर जो है वो फीडबैक दे सकते हैं उस सिस्टम के बारे में। कंपनी विल गिव स्पेशल डिस्काउंट एंड वाटर डिस्पेंसर टू देयर स्पेशल कस्टमर। वो स्पेशल कस्टमर को वाटर डिस्पेंसर भी देंगे ऑन अ स्पेशल इवेंट या स्पेशल डिस्काउंट के ऊपर। दीज स्पेशल फैसिलिटीज डिपेंड अपॉन द यूजेज ऑफ वाटर बॉटल्स, के वो उनका यूजेज कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है इस स्पेशल डिस्काउंट की ऑफर या डिस्पेंसर की ऑफर का। कंपनी ऑल्सो वॉन्ट्स टू कीप ट्रैक ऑफ देयर डिलीवर बॉटल्स डिटेल। अब कंपनी जो है जितनी बॉटल्स वो डिलीवर कर चुकी है उसकी डिटेल का रिकॉर्ड भी उनके पास होना चाहिए। अब हमने करना क्या है दोस्तों, इसमें दो रिक्वायरमेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम। हमने एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम बनाना है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद आइडेंटिफाई एंटिटीज, हमने आइडेंटिफाई करनी है एंटिटीज को, उनके एट्रीब्यूट्स को, उनके रिलेशनशिप्स को अमंग एंटिटीज अबव सिनेरियो का जो हमने पढ़ा है अभी। और हमने ड्रा करना है ERD एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम फ्रॉम द गिवन कीस। इसका हमने ERD बना, मतलब हमने दो डायग्राम बनानी है, एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है और दूसरी ERD है। ये है हमारी इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट। तो चलिए हम लोग अपने सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इस असाइनमेंट की जो है दो रिक्वायरमेंट है, एक कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम है और दूसरा हमारे पास ERD डायग्राम है। हमने सबसे पहले देख रहे हैं कॉन्टेक्स्ट लेवल डायग्राम के हम ये कैसे बनाते हैं। दोस्तों, दरमियान में आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम
आपका एक सर्कल नजर आ रहा है, इस सर्कल के गिर्द जो है आप लोगों को डिफरेंट एंटिटीज नजर आ रही हैं, उसमें हमारे पास सेलमैन है, उसके बाद हमारे पास यूजर है, उसके बाद हमारे पास मैनेजर है और उसके बाद हमारे पास कोई एंटिटी नहीं है। अब एक यूजर जो है वो ऑर्डर करेगा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर या रिक्वेस्ट करेगा बॉटल्स के लिए। अब मैनेजर जो है वो चेक करेगा उन ऑर्डर को जो यूजर ने या कस्टमर ने किए होंगे। ये चेक करने के बाद क्या करेगा, ये रिक्वेस्ट करेगा सेलमैन को कि उस ऑर्डर की डिलीवरी करो। अब सेलमैन क्या करेगा, सेलमैन जो है वो जो उस मैनेजर ने ऑर्डर दिए हैं वो उनको रिसीव करेगा और रिसीव करने के बाद जो है वो डिलीवर कर देगा उन ऑर्डर को कस्टमर को। अब कस्टमर को वो ऑर्डर रिसीव हो गए, तो इस तरीके से हमारी ये कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम बन जाएगी। इसमें आप और चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं, जैसे वो पेमेंट वाला सिस्टम है कि मैनेजर जो है वो जनरेट करेगा बिल को और फिर वो यूज़र जो है वो पे करेगा और फिर सेलमैन डिलीवरी करेगा, तो इसमें और चीज़ें भी ऐड की जा सकती हैं। तो समझाने का मकसद ये है कि आपको समझ आना चाहिए कि कॉन्टेक्ट लेवल जो डायग्राम है वो हम कैसे बनाते हैं। तो उसमें देखें, हम सबसे पहले एक सिस्टम बनाते हैं, उसके गिर्द हमारी जितनी भी एंटिटीज या एक्टर हैं उन एंटिटीज को रखते हैं और फिर उनके जो एट्रीब्यूट हैं या उनकी जो फंक्शनैलिटीज हैं या जो उनके फंक्शन हैं जो उन्होंने परफॉर्म करने हैं वो बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम बन गया। उसके बाद दोस्तों हमारी बारी आ जाती है सेकंड रिक्वायरमेंट ऑफ दिस असाइनमेंट, वो मैंने आपको बताया कि ईआरडी है, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम हमने बनानी है और इसमें भी हमने जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स दिखाने हैं एंटिटीज के। सबसे पहले तो हमने एंटिटीज बतानी है कि हमारी एंटिटीज कितनी हैं, वो बताने के बाद फिर हमने उनका आपस में जो है रिलेशनशिप बताना है कि उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, उनके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स क्या हैं वो भी हमने सारे इसके अंदर बताने हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। अब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे पहले हम एंटिटीज डिफाइन करेंगे। एंटिटीज इसमें देखें, हमारे पास सबसे पहली जो एंटिटी है वो है एडमिन, उसके बाद जो हमारी सेकेंड एंटिटी है वो है कस्टमर, उसके बाद जो हमारी थर्ड एंटिटी है वो है मैनेजर, उसके बाद जो हमारी फोर्थ एंटिटी है वो है सेलमैन। अब देखें, ये हमने सबसे पहले जो है उस केस के अंदर से जो मैंने शुरू में आप लोगों को पढ़ के सुनाया उसमें से हमने ये चार एंटिटीज निकाल ली है। ये निकालने के बाद अब जो सेकंड इसी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि हमने जो है इनका आपस में रिलेशनशिप बताना है और एट्रीब्यूट बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव डिस्कस विद यू द एट्रीब्यूट ऑफ दीज एंटिटीज, कि हम मैं सबसे पहले जो है आपके साथ इनके एट्रीब्यूट शेयर कर लेता हूं। अब देखें, हमारे पास जो सबसे पहला जो एंटिटी है उसमें एडमिन है। अब एडमिन का कोई ना कोई आईडी होगा, उसके बाद एडमिन का कोई ना कोई नेम होगा और उसके बाद एडमिन का कोई ना कोई पासवर्ड होगा जिससे वो जो है उस सिस्टम के अंदर एंटर हो सकेगा। उसके बाद हमारी जो सेकंड एंटिटी है वो कस्टमर, कस्टमर का भी इसी तरह कि हमारे कस्टमर का भी कोई ना कोई आईडी होगा, उसका कोई ना कोई यूजर नेम होगा, उसका कोई ना कोई पासवर्ड होगा जिसके तहत वो जो है उस सिस्टम के अंदर एंटर होगा और बॉटल्स के लिए ऑर्डर करेगा। इसके बाद जो हमारी अगला एंटिटी है वो है सेलमैन। अब सेलमैन का भी कोई ना कोई आईडी है, उसके बाद हमारा सेलमैन का कोई ना कोई यूजर नेम होगा, उसके बाद सेलमैन का भी कोई ना कोई पासवर्ड होगा, तो ये सेलमैन के एट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट एंटिटी बचती है वो है हमारे पास मैनेजर। अब मैनेजर का भी कोई ना कोई आईडी है या आइडेंटिटी है, उसके बाद हमारे पास उसका यूजर नेम है और उसके बाद उसका पासवर्ड है। तो दोस्तों देखें, मैंने सबसे पहले आप लोगों को एंटिटीज का बताया, आप इस जो केस हमने पढ़ा है उसमें से मुझे जो एंटिटीज बेहतर लगी हैं वो यही चार लगी हैं। उसमें हमारे पास कस्टमर है, उसमें एडमिन है, उसमें हमारे पास सेलमैन है और उसमें हमारे पास मैनेजर है। आप लोग और भी एंटिटीज इसमें से निकाल सकते हो और या इस इनको भी कम कर सकते हो और उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को हर एंटिटी के हिसाब से उनके एट्रीब्यूट्स बताए। आप और एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे मोबाइल नंबर है, आप मोबाइल नंबर ऐड कर सकते हो, कस्टमर का ईमेल एड्रेस ऐड कर सकते हो, कस्टमर का एड्रेस ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इनके एट्रीब्यूट्स कम या ज्यादा कर सकते हो। इसके बाद अब बारी आ जाती है इनके रिलेशनशिप की। अब देखें, हमारा जो सबसे पहले मैंने आपको रिलेशनशिप दिखाया है वो है ये कस्टमर का एडमिन के साथ। अब देखें, एक जो एडमिन है वो बहुत सारे कस्टमर को मैनेज कर रहा होता है या बहुत सारे कस्टमर्स को देख रहा होता है। इसके बाद जो इनका आपस में रिलेशन है वो है
एक एडमिन बहुत सारे कस्टमर को, मतलब वन टू मेनी। अब यहाँ पे देखें बहुत सारे लोगों के लिए ये एक सिंबल मैंने यहाँ पे ट्राई कर दिया, और वन के लिए जो है यहाँ पे एक लाइन लगा दिया। तो इसका मतलब यह है कि एडमिन और कस्टमर के दरमियान जो है वो वन टू मैनी का रिलेशनशिप है। इसके बाद जो सेकंड, इसके अंदर मैंने रिलेशनशिप शो किया है वो एडमिन और मैनेजर का शो किया। अब एडमिन जो है वो एक मैनेजर भी हो सकता है, तो एडमिन इज अ मैनेजर मैंने यहाँ पे शो किया है। एक जो हमारे पास डायमंड की शेप है उसके अंदर इज ए लिख दिया है कि एक मैनेजर जो है वो एडमिन भी हो सकता है और एक एडमिन जो है वो मैनेजर भी हो सकता है। तो यहाँ पे भी वन टू वन का मैंने रिलेशनशिप शो कर दिया है कि एक मैनेजर जो है वो एडमिन हो सकता है और एक एडमिन जो है वो मैनेजर हो सकता है। अब जो थर्ड रिलेशनशिप है वो मैंने मैनेजर और सेल मैन के दरमियान रखा है। अब एक मैनेजर जो है वो ऑर्डर करेगा जो उसको कस्टमर से रिसीव हुए हैं सेल मैन को कि इनकी डिलीवरी करो। अब यहाँ पे जो रिलेशनशिप बन रहा है वो मैनी टू मैनी का है। बहुत सारे मैनेजर बहुत सारे सेल मैन को भी डील कर लेते हैं, या कोई भी मैनेजर जो है किसी भी सेल मैन को डील नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैनेजर ऑर्डर सेल मैन। अब लास्ट जो रिलेशनशिप बचता है वो हमारा सेल मैन का और कस्टमर का बच जाता है। अब यहाँ पे भी मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है जो रिलेशनशिप को शो कर रही है सेल मैन और कस्टमर के दरमियान। अब यहाँ पे जो है दरमियान मैंने डिलीवर लिख दिया है कि सेल मैन जो है वो डिलीवर कर रहा है कस्टमर को जो उसने ऑर्डर किया, और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो भी मैनी टू मैनी कर दिया कि बहुत सारे सेल मैन जो है वो बहुत सारे कस्टमर को डील कर रहे हैं, या बहुत सारे कस्टमर जो है वो डील हो रहे हैं बाय अ बहुत सारे सेल मैन, या कोई भी सेल मैन जो है वो डील नहीं कर रहा किसी भी कस्टमर को। तो इस तरीके से दोस्तों ये हमारी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बन जाती है, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को कॉन्टेक्ट लेवल डायग्राम भी बनानी आ गई होगी और आपको ईआरडी डायग्राम, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम भी बनानी आ गई होगी। तो आप लोग केस को, सिनेरियो को जो हमें दिया गया है उसको गौर से पढ़िए और उसमें से एंटिटीज निकालिए। आप ये वाली एंटिटीज भी यूज कर सकते हो, और ये वाली जो वीडियो है वो सिर्फ आपको आइडिया देने के लिए है कि आपने अपनी असाइनमेंट जो है वो डेटाबेस की CS403 की कैसे बनानी है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को असाइनमेंट की समझ आ गई होगी। दोस्तों मैं फिर एक बार आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग 24/7 टीचर्स ऑनलाइन पे जाइए, वहां पे आपको CS101, MGT101, CS201, MGT201, HTML और बहुत सारे ऑफिस और बहुत सारे लेक्चर अवेलेबल हैं। उसका जो URL है वो आपको नीचे नजर आ रहा है, youtube.com/teachersonlineforyou। आप वहां पे जाइए, उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जैसे आपने मुझे वर्चुअल स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज यूट्यूब चैनल के अंदर प्रमोट किया, वहां पे भी प्रमोट कीजिए ताकि मैं और ज्यादा से ज्यादा वीडियोस बनाता रहूं। दोस्तों मोफिन भाई को अगली वीडियो तक के लिए असाइनमेंट की किसी सोल्यूशन के साथ या किसी GDB के सोल्यूशन के साथ अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।